हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू स्टॉक चैनल। दोस्तों, पेनी शेयर की सीरीज में एक सबसे बढ़िया पेनी शेयर आपके लिए लेकर के आऊँ, सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाला पेनी शेयर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसका एक मंथ का रिटर्न आप देखेंगे तो 210% आपको देखने के लिए मिल जाएगा। शेयर की प्राइस बिल्कुल कचरे के भाव आपको मिल रहा है, 1.55 रुपये के आसपास इसकी प्राइस है। तो दोस्तों, कौन सा शेयर है, क्या काम करती है कंपनी, तो दोस्तों आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी का काम का इसका रिटर्न आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। कोई भी पेनी शेयर इतना रिटर्न्स आपको नहीं देके जा सकता है। वहीं पर इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टुडेज लो और टुडेज हाई आप देखेंगे तो 10 पैसे का फर्क आपको दिखेगा। 52 वीक पहले की बात कर, 0.5 पैसे का स्टॉक आज 1.55 रुपये का। तो दोस्तों, कचरे के भाव, कोड़िए के भाव ये स्टॉक मिल रहा है। दोस्तों, इसकी वैल्यू आप देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, प्राइस वैल्यू देखेंगे, बहुत ही शानदार है। दोस्तों, यहीं पर इसका मार्केट गैप डेप्थ अगर आप देखेंगे तो 100% बाइंग ऑर्डर आपको क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी। सेल करने के लिए कोई भी यहाँ पर तैयार नहीं है, 100% लोगों ने यहाँ पर बाय कर रखा है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार स्टॉक। इसके फंडामेंटल्स की बात अगर करें, मार्केट कैप 566 करोड़ रुपये का, पी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। पी वी रेशियो देखेंगे, इंडस्ट्री पी देख सकते हैं, आर ओ ई देख लीजिए माइनस में, जब बुक वैल्यू अगर आप किसी देखेंगे तो 1.17 रुपये के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। वहीं अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर, पिछले 5 क्वार्टर से देखेंगे तो इसके फाइनेंशियल लगातार आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं इसके प्रॉफिट की बात करें तो अभी फिलहाल कंपनी को लॉस हो रहा था, तो यहाँ पर कितना बड़ा लॉस आप देख सकते हैं, 1.38 करोड़ का, फिर लॉस बढ़ गया। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो इसका लॉस लगातार कम होते जा रहा है। ये लास्ट वाला क्वार्टर बहुत ही शानदार गुजरा है। दोस्तों, यहाँ पर इसकी कंपनी की नेटवर्थ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार नेटवर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक ही लाइन में चलती हुई दिख रही नेटवर्थ इसकी, सितंबर 2020 में 445 करोड़ थी, मार्च 2021 में 442 करोड़ गई और सितंबर 2021 में 440 करोड़ के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बात करते हैं कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी का जो कामकाज आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, तो बहुत ही शानदार कंपनी का काम का जो भविष्य में इसके टारगेट बहुत ऊपर जाने वाले, और इस काम की हमेशा शुरू से ही डिमांड और हमेशा रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं एमपीएस इंफ्रोटोनिक्स लिमिटेड, फॉर्मली बीसीएस इंफ्रोटोनिक्स लिमिटेड इज ए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर रिलेटेड कंपनी है। दिस कंपनी इज द एंगेज द डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग का भी कामकाज देखती है कंपनी, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जो बनते हैं हमारे मोबाइल के और जो भी कंपनी के बनते हैं वो भी कंपनी बनाती है, और सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सप्लाई फॉर स्मार्ट कार्ड, और स्मार्ट कार्ड भी सप्लाई करती है। सेगमेंट इंक्लूडेड टेलीकम्युनिकेशन आईटी सॉल्यूशन, जो टेलीकम्युनिकेशन आईटी सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट्स एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑफर द रेंज ऑफ द सर्विस विच इंक्लूडेड सिस्टम इंटीग्रेशन एंड नेटवर्किंग सॉल्यूशन, इंक्लूडेड हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर, डोमेन रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग सर्विस। तो इसके कामकाज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार, जो भी आईटी रिलेटेड से कामकाज सभी कंपनियां करती है। तो कोई एक काम अगर इसका नहीं भी चलता है तो दूसरा काम इसका चल पड़ेगा, तो बहुत ही शानदार कंपनी है। और इसके कामकाज मैंने आपको बता दें, भविष्य में इस काम की दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारी डिमांड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर अभी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अभी 2 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1.5 रुपये के आसपास, बहुत ही जल्द 3 महीने के अंदर ही आपको स्टॉक 5 या 7 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे जाएगा। और आने वाले 5 साल में ये आप डेफिनेटली यहाँ से देख सकते हैं, 100 से 150 रुपये के बीच में इसके टारगेट आपको देखने के मिलेंगे। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देखेंगे तो रिटेलर्स के पास यहाँ पर 79.61% शेयर होल्डिंग्स है, वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफ़ी यहाँ पर कम आपको देखने के मिले, सिर्फ और सिर्फ 20% के आसपास इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात आपको बता दूं, इसके प्रोस में आप देखेंगे, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.45 टाइम इज स्टॉक वैल्यू। तो बहुत ही शानदार कंपनी, डेप्थ फ्री है और इतना सस्ता स्टॉक, डेप्थ फ्री कंपनी का ढूंढ करके निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, आप नहीं ढूंढ सकते, आपको नहीं मिलेगा, जो कि इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक मिला हो इतना सस्ता डेप्थ फ्री तो मुझे जल्दी से कॉमेंट करके बता दीजिए। वहीं इसके कुछ कॉन्स आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है और ये प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार घटती जा रही है, इसके कुछ कॉन्स आप देख सकते हैं। वहीं बात करें इसके ओवरऑल चार्ट के बारे में, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसका हाई चार्ट अगर आप देखेंगे, जब कंपनी लिस्ट हुई थी 2.44 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी, वहीं पर इसने 5 रुपये का हाई मार दिया था। उसके बाद से यहाँ से कंपनी लगातार गिरती गई, कंपनी का कामकाज घटता गया, जिसके कारण प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स घटा दी। 2018 के एंड में आप यहाँ देखेंगे, 2019 के आसपास सिर्फ और सिर्फ पेनी शेयर के रूप में कंपनी रह गई, लेकिन उसके बाद में कंपनी ने लगातार बाउंस बैक, यहाँ पर देख लीजिए लगातार बाउंस बैक कर रही है कंपनी। वहीं पर इसके 5 साल के रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 600
75% के रिटर्न्स कंपनी ने पिछले 5 साल में निकाल के दिए, लगातार कंपनी ट्रेड करती हुई आपको दिखेगी। वहीं 3 साल की बात करें तो 1450% के रिटर्न्स कंपनी ने यहाँ पर निकाल के दिए। 3 साल पहले 5 पैसे का स्टॉक हुआ करता था, वहीं 1 साल की अगर बात करें तो 1 साल पहले कंपनी ने कमाल कर दिया। तो दोस्तों पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप देखें या पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें, उसकी टक्कर में पिछले 1 साल का कंपनी का कामकाज देखेंगे तो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल जाएगा। 1455% के रिटर्न्स निकाल के दिए, एकदम से रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ जाती हुई कंपनी आपको दिखाई दे जाएगी। और 1 महीने के रिजल्ट आपको मैंने दिखा दिए, 210% के शानदार रिजल्ट इसने बना करके दे दिए। वहीं एक वीक की बात करें तो लगातार इसमें अपर सर्किट लगते हुए आपको दिखाई दे जाएगा और कहीं कहीं पर कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। सबसे अच्छी बात है कंपनी ट्रेड भी करते हुए इसका शेयर आपको दिखाई दे जाएगा। आज भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी लेकिन 3.33% का सर्किट यहाँ पर लग गया और ट्रेडिंग रुक गई है। तो अभी बात करेंगे क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इतना सस्ता स्टॉक आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। कचरे के भाव मिल रहा है, कोड़ियों के भाव मिल रहा है, बहुत ही सस्ता दाम। अगर आप इसमें 5,000 रुपये भी लगा दीजिए और भूल जाइए 1-2 साल के लिए, तो आपको बहुत ही बड़े मल्टीबैगर रिटर्न दे करके कंपनी जा सकती है। तो दोस्तों कौन कौन स्टॉक खरीदने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताएं। और अगर स्टॉक में आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई कुछ छूट गया इसमें एनालिसिस करने में, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।